हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स एंटरटेनमेंट। आप फरुद्दीन खोकर, और आज आप लोगों के लिए एक ऐसा फोन लेके आया हूं जिसका हर पाकिस्तानी को बेसब्री से इंतजार है, बल्कि पाकिस्तानी क्या पूरे वर्ल्ड में इसका चर्चा नहीं खत्म होता। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए आईफोन 13 प्रो मैक्स। शहजादे फोन दे इधर। ओ यार, आईफोन 13 प्रो मैक्स बोला है, आप लोगों को भी नहीं पता लगा, ये बिल्कुल एक जैसे ही फोन है। ये आईफोन 12 प्रो मैक्स है इस टाइम मेरे हाथ के अंदर, और अभी आपको दिखाते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स और उसके अंदर क्या डिफरेंसेस दिए हैं उन्होंने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। तो जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसकी वारंटी क्लेम नहीं होती, तो जब भी आप शॉप से फ़ोन लेते हैं तो वहीं पर आप इसका डिस्प्ले चेक करते हैं कि फ़ोन चल रहा है या नहीं। तो इसी तरह मैंने शॉप पर इसको ओपन करवा के इसको चेक किया था। तो अब मैं आपको इसके फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूं और इसको हम कंपेयर करेंगे आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ। तो गाइस, सबसे पहले बॉक्स को पकड़ते ही आपको इसके ऊपर एक विजिबल सा डिफरेंस नजर आएगा 12 प्रो मैक्स के साथ। जो 12 प्रो मैक्स का बॉक्स था उसके ऊपर 12 प्रो मैक्स की फ्रंट साइड की पिक थी और इसके ऊपर उन्होंने बैक साइड की पिक प्रोवाइड की है। सो लेट्स ओपन द बॉक्स एंड सी व्हाट्स इनसाइड। फोन किधर गया? रुको जरा, सबर करो। तो आ चुका है बॉक्स के अंदर आईफोन 13 प्रो मैक्स। बॉक्स से निकालते हुए बड़ा ही प्यारा आईफोन 13 प्रो मैक्स आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आपको विजिबल डिफरेंस नजर आ रहा है आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ कि इसके जो कैमरा सर्कल्स हैं वो बड़े हैं। बाकी साथ में एक डाटा केबल प्रोवाइड की जाती है जो कि एक आईफोन की तरफ से आपको सदका दिया जाता है, और वो इस टाइम चार्जिंग पे लगी हुई है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। बाकी बॉक्स के अंदर आपको आईफोन का एक स्टिकर मिल जाता है और एक पिन मिल जाती है आपको। तो बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है और बॉक्स इसको साइड पे करते हैं और आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के ऊपर। आईफोन का पेपर स्टिकर उतारते हैं और इसको हम टर्न ऑन करते हैं, और उतनी देर के अंदर आपको मैं जितनी देर में ये ऑन होता है हम इसके जो आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ विजिबल डिफरेंसेज हैं उसको नोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है आईफोन 12 प्रो मैक्स और ये है हमारे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स। तो आप इसका बैक साइड के ऊपर से कैमरे के सर्कल्स और कैमरे की जो शेप है वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नोटिसेबल चेंज आया है उसमें। फ्रंट साइड से अगर आप देखते हैं तो नॉच का जो है वो एक विजिबल डिफरेंस आपको नजर आता है। उसके अलावा इसकी साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो साइड पे जो सिम कार्ड है उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी उन्होंने चेंज कर दी है 13 प्रो मैक्स में। उसके अलावा बॉडी वाइज बॉडी टू वेट रेशियो जो है वो 13 प्रो मैक्स का थोड़ा सा ज़्यादा है 12 प्रो मैक्स से। उसके अलावा एवरीथिंग जो है इसकी सेम है। अब इसके हम इंटरनल स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं। ऑन पेपर अगर इनके कैमरा मेगापिक्सल्स की बात की जाए तो 13 प्रो मैक्स और 12 प्रो मैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इसके लेंस के साइज में आता है। 13 प्रो मैक्स के अंदर जो कैमरे के लेंस यूज किए हैं उनके साइज जो है वो बड़ा है 12 प्रो मैक्स की निस्बत। 13 प्रो मैक्स के अंदर जो लिडार सेंसर है वो 12 प्रो मैक्स की निस्बत ज्यादा इंक्रीज करती है। इसके कैमरे के अंदर सिनेमेटिक मोड प्रोवाइड करती है जिससे आप सिनेमेटिक मूवी लाइक शॉर्ट्स बना सकते हैं। मजे की बात यह है कि 13 प्रो मैक्स के फ्रंट और बैक कैमरा दोनों के अंदर ये फीचर प्रोवाइडेड है। सबसे जो कूल फीचर इसका सिनेमैटिक शॉट के बारे में है वो ये है कि जब आप इसको वीडियो शूट कर लेते हैं उसके बाद वो आपको एडिट करने की ऑप्शन भी देता है, जबकि बड़े से बड़ा कैमरा जो है वो आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता। डिस्प्ले की बात की जाए तो आईफोन 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने 120 हर्ट्ज़ दे दी है आईफोन में। और आईफोन में 120 हर्ट्ज़ का मतलब आप समझ रहे हैं, जो पबजी प्लेयर्स हैं वो मेरी बात को गौर से सुन लें। 13 प्रो मैक्स का जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज़ है, ये आप चेक करें कितना स्मूथ है। 13 प्रो मैक्स के अंदर एडॉप्टिव रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गेम खेल रहे हैं और आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट चाहिए तो ये उसको एडजस्ट करेगा 90 पे, और जहाँ पे आप इसमें स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे ये अपना रिफ्रेश रेट जो है उसको कम कर देगा ताकि आपकी बैटरी सेव हो सके। 13 प्रो मैक्स के अंदर बिल्ट इन iOS 15 आता है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। इसकी बैटरी जो है वो 4352 mAh की बैटरी है, और एप्पल क्लेम करता है कि आईफोन 12 प्रो मैक्स से इसकी बैटरी 5 और ज़्यादा चलेगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक बैटरी के अंदर इंक्रीमेंट किया है जो आईफोन यूजर्स को हमेशा से प्रॉब्लम रही है। ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये 128 GB
वाला आईफोन 13 प्रो मैक्स है सेरा ब्लू कलर के अंदर, और इसकी प्राइस मुझे मार्केट में मिली है 2,90,000, और जो इसके अंदर 256 GB वाला वेरियंट आ रहा था उसकी प्राइस मुझे मिल रही थी 3,15,000। ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, तो मार्केट के अंदर इसके ऊपर ऑन चलता है, हमेशा से आईफोन के ऊपर ऑन चल रहा है और अभी भी ऑन चल रहा है। तो आपने अगर लेना है स्टेटस सिंबल के लिए तो आप आईफोन खरीद सकते हैं 2,90,000 रुपये का 128 GB। और लास्टली अगर इसकी एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो ये वाहिद फ़ोन है जिसके अंदर 1 TB तक स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है आईफोन। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मोबाइल ओनू दे दौ जिद को लैके आए हो, ओनू 500 भी दे देना, साड़ी वीडियो कंप्लीट हो गई।